बस सुबह घर पहुंचे हैं, थोड़ा सा रेस्ट किए हैं, उसके बाद सो के उठे तो सोचे हैं फोन चार्ज कर लें, और उतने देर में ही कांड हो गया। कोई बात नहीं, तो गाइस हम लोग चूना लगवा के घर आ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउन कैब। मैं हूं दीक्षा और आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 24 और मैं निकल रही हूं गाज़ियाबाद से आजमगढ़ के लिए। डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका ऑपरेशन हुआ है और हम उन्हें देखने जा रहे हैं, और इस बार जाएंगे तो कुछ दिन रह के आएंगे, तो यही सोच के निकले हैं और आपके साथ ये छोटी सी जर्नी हम शेयर करने वाले हैं, तो ब्लॉग पर बने रहिए। पहले तो हम यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ से मेरी ट्रेन है जो कि सुबह में पहुँचाएगी, यानी कि 25th को पहुँचा देगी। तो बस हम निकल गए हैं और डिनर करके फिर उसके बाद ट्रेन पे बैठेंगे। तो हम लोग यहाँ से जाते ही सबसे पहले बीकानेर गए थे, बीकानेर वाला, तो वहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। पास में ही स्टेशन है और हम लोग आए हुए हैं बीकानेर वाला, और आज हम खा रहे हैं शाही पनीर है, दाल मखनी, राइस, साथ में पराठा और सैलेड। तो चलिए स्टेशन पे चल के फिर आपसे बात करते हैं। तो रात में तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, और ये 25 तारीख यानी आज सुबह की क्लिप है, और हम पहुंच गए हैं सागंज, और वहाँ से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। थोड़ी दूर पर ही अब एक दो घंटे का रास्ता रह गया है घर जाने पर, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बहुत तेज़ भूख लगी थी तो अभिनव स्टेशन से लेकर के आए थे समोसा, तो शाहगंज के समोसे बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। कौन कौन खाया है और कौन कौन उस साइड का है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं घर पे, और बहुत अच्छा लगता है जब भी घर आते हैं, एक अलग ही फीलिंग रहती है। और यहाँ पे देखिए गांधी जी की फ़ोटो पे किसी ने बहुत ही कारीगरी कर दी है, और बढ़िया जो है उनकी हेयर स्टाइल बना दी है, मूछे और बहुत बढ़िया से, मतलब आप देख सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, और अब इस बारे में मैं क्या ही बोलूँ। तो हम लोग उतर आए हैं, और यहाँ पे जो जहाँ हर बार जो है हमारी गाड़ी रुकती थी प्लेटफॉर्म 1 पे, वहाँ ना रुक करके 2 पे उतरी थी, और सीढ़ियों से सारा सामान लेकर के हम लोग आए हैं। खैर बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं था, पर हाँ थोड़ा हैवी था, तो बस वही हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इतनी लंबी जर्नी हो जाती है आने की कि क्या बताएं, थकान तो हो ही जाती है। और मौसम भी आज कुछ बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अलग सी गर्मी थी एकदम। तो ये देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और चलते हैं घर पे, मम्मी डैडी से मिलते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं। तो स्टेशन पे आज क्योंकि डैडी का ऑपरेशन हुआ है तो वो आ नहीं पाए हैं, तो इसलिए आज जो है अपनी गाड़ी से नहीं जबकि उससे टेम्पो से जा रहे हैं हम लोग, और इसी को बुक करके अब घर तक चलेंगे। तो मेरे चेहरे से आप लोग देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, और बस कुछ मिनट में घर पहुँचने वाली हूँ। तो रास्ते से हमने ले लिया है मिठाई और बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और घर पहुँचने के कुछ घंटे के बाद मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं आपको अभी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड थी मैं, और मैंने सोचा था कि ये जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ उसको भी मैं एडिट करके पोस्ट कर दूँगी, और प्रीवियस ब्लॉग भी कुछ पड़े हुए हैं वो तो मैं नहीं कर पाई, पर हाँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। मैंने प्रेम मंदिर की वीडियो बनाई थी जब मैं वृंदावन गई थी, तो यही सब मेरे मन में चल रहा था। और मैं घर पे गई हूँ, लंच किया मैंने, उसके बाद फिर रेस्ट की हूँ, थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और उठने के बाद क्या हुआ है वो आगे ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ़ोन गिर गया, तो और फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था
और जैसे ही फ़ोन किया तो फ़ोन तो बच गया मेरा, लेकिन चार्जर टूट गया। तो बस चार्जर खरीद करके और घर जा रहे हैं। चार्जर का केबल खरीदना पड़ा है, अडॉप्टर तो सही सलामत था। तो आते ही फटका लग गया मुझे, खैर कोई बात नहीं। तो घर पहुंच के फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइस देखिए हमारा घर है, आप लोग मीटअप के लिए आ सकते हैं। डैडी गाइस को हम बोले हैं कि आप मीटअप के लिए आ सकते हैं। हाँ, हमको पीछे लीजिए, पीछे लीजिए। हाँ, खोलेंगे क्या इसको? हाँ, तो ये अंदर कर देंगे ना आप हटिए। हाँ करेंगे, इधर 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 पीछे इधर। तो गाइस हम लोग चूना लगवा के घर आ गए हैं। अभी हम 10 मिनट में आ रहे हैं। हाँ अभी कपड़ा लेने जाएंगे ना, तो खोल के जाना। हाँ खोल देना, आके दे देना, ऊपर भी दे देना। ठीक है ठीक है। वो पाइप लगता है नीचे वाले पाइप से काम हो जाए, ऊपर हजार के बगल वाले दे देना। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, आप आइए। ठीक है बाय। बहुत गर्मी है, क्यों बाहर तो ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। रास्ते रास्ते में लग रहा था लेकिन हुई नहीं, कहीं नहीं बारिश, कोई हो ही नहीं, लक्षण ही नहीं दिख रहा है कि बारिश भी होगी। आज तो रही बनेगी मम्मी। हाँ आज यही बनेगी और से वही भी। तो फ्रेंड्स घर आ गए हैं और ये देखिए मेरा जो पुराना चार्जर का वो है, ये पिन कुछ ऐसे टूट गई है और आगे से यही निकल गया है, तो ये फिर जुड़ नहीं सकता है और फिर नया लेने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ा। मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। तो बस एप्पल का जो है वो केबल लेकर के आ रहा है और फ़ोन चार्ज हो जाएगा। बस सुबह घर पहुँचे हैं, थोड़ा सा रेस्ट किए हैं, उसके बाद सो के उठे तो सोचे हैं फ़ोन चार्ज कर लें और उतने देर में ही कांड हो गया। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।